नमस्कार, मैं प्रदीप शर्कर। आज जो म्यूज़िक का ऊपर एक सब्जेक्ट लेके आया है वो बहुत एक छोटी बात है लेकिन वो बहुत काम का है। जैसे कि हम लोग ये काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये चार मात्रा का गाना है 1 2 3 4, ऐसे रूलिंग चार मात्रा का है 1 2 3 4। ऐसे कोई भी बैंड अगर कोई म्यूज़िक स्टार्ट करता है रिहर्सल में वो और शो पे हम लोग काउंट करते हैं ना 1 2 3 4, ढिक चगड़ा चिगड़ा ये काउंट करके हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये 1 2 3 4 इसका वैल्यू क्या है? अगर हम लोग इसका वैल्यू, वन का वैल्यू अगर हम लोग को पूरा क्लियर आ जाएगा तो हम लोग का कौन सा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि ताल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। हम रिदिम प्ले कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट गाना गा रहा है, कीबोर्ड बजा रहा है, सबको ताल ही तो ताल में ही तो होता है ना। और सबका ताल तो एक ही होता है, एक ही गाने में हम गिटार बजाए, ड्राम्स बजाए, ऑक्टोपेट बजाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाए, ताल को सब तो एक ही, मतलब वन सबको अगर एक साथ होगा तब जाके वो ताल में होता है, ठीक है। अगर ये वन का वैल्यू हम लोगों को क्लियर नहीं होगा तो हम लोग को ताल में गड़बड़ी हो जाता है। कभी कभी कोई कीबोर्ड का स्ट्रोक टंग 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 टंग, ऐसे कोई भी पार्ट हो अटक जाता है, ताल का बाहर चला जाता है। ड्रम्स और ऑक्टोपैड का कोई रोलिंग हो, टक 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 ठीक, तो वो ताल का बाहर आ जाता है। क्योंकि ये बात ये है, वन का जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 इसका एक वैल्यू है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर पूरा जो ग्रामेटिकल जो स्टार्ट म्यूजिक का जो ग्रामेटिकल स्टार्ट होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब वन वन मतलब ऐसे नहीं कि वन बोल दिया वन हो गया, ऐसे बात नहीं है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और ये खूब सिंपल लग रहा है सुनने में लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। तो फिर देखिए, और ये पूरा स्टाफ नोटेशन का एक जानकारी भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग ऐसे लगेगा कि स्टाफ नोटेशन जानना ज़रूरी है, मतलब म्यूज़िक का जो ग्रामर ये जानना ज़रूरी है, तब जाके आपको म्यूज़िक क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, क्यों? मैं हिंदी का पूरा ग्रामर मुझे मालूम, सही तरह से मालूम नहीं है, फिर भी बात करते करते पहले से बहुत बेटर हो गया। एनीवे, तो अभी ये 1 2 3 4 इसका वैल्यू और म्यूजिकली वैल्यू ये क्या है, देखिए मज़ा आ जाएगा। ये 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अगर ये 1 2 3 4 हम आप लोगों को पैसे से बुझाएंगे, समझाएंगे पैसे से, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पैसा ऐसे एक बात है, सबको मतलब बहुत फास्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। तो सोचो कि ये 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, कितना रुपये? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, क्लियर। तो 1 रुपये का मतलब क्या है? अगर ये समझ में आ जाएगा तो म्यूजिकली 1 2 3 4 का वैल्यू भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, 1 रुपये का वैल्यू है 100 पैसा, 100 पैसा से 1 रुपये होता है, कितना पैसा से? 100, 100 पैसे से 1 रुपये होता है। अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि 1 रुपया दे दो, इसका मतलब है वो एक छोटा सा रुपये के अंदर ये 100 पैसा मिला के 1 रुपया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हम 2 में जाते हैं, 100 पैसा कंप्लीट होगा फिर 1 रुपया होगा, नहीं तो नहीं होगा। 100 पैसा कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग क्या किस में जाएंगे? 2 पे जाएंगे, राइट। तो म्यूजिकली ये 1 को भी ऐसे हम लोग तोड़ता है, इसका अंदर इतना पैसा है 1 के अंदर, म्यूजिकल भी इतने बहुत सारा पैसा है। तो 100 पैसा क्यों, अगर हम उसको भी तोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, अगर सोचो कि हम 2 भाग करेंगे 100 पैसा को, तो कितना पैसा होगा? 50 पैसा करके 2 बार, 2 50 पैसा से 100 पैसा होता है और 100 पैसा से 1 रुपया होता है, राइट। अभी ये 2 जो 50 पैसा करके लिखा है, इसको भी हम तोड़ेंगे 50-50 में, तो क्या होगा? इसमें है 25 पैसा, 25 पैसा, इसमें 2 25 पैसा करके है ना,
तो अभी हुआ है ये 4:25, ये 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, मतलब 2 25 पैसा से 1 50 पैसा होता है, 4 25 पैसा से 2 50 पैसा होता है, 2 50 पैसा से 100 पैसा होता है, और ये 100 पैसे से 1 रुपया होता है। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब आप वन का वैल्यू आपका समझ में आ जाएगा, व्हाट इज वन। अभी म्यूजिकली हम इसको बात करेंगे, कॉन्वर्ट पैसा तो हो गया क्लियर, अभी ये सेम हम म्यूजिक में कैसे करेंगे। देखिए, 100 पैसा मतलब 1 रुपये, एक ही कॉइन है, एक ही कॉइन है, ये एक जो कॉइन है, जैसे कि इसको कहते हैं म्यूजिकली, इसको नाम कहते हैं क्वार्टर नोट, क्वार्टर नोट मतलब 1 रुपये का कॉइन। सोचो कि आपको मुझे 4 रुपये देना है तो हम कितना कॉइन देगा, 4 कॉइन देगा ना 1 रुपये का, वैसा ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कॉइन दे दिया, खत्म। ये हुआ क्वार्टर नोट, और इसको नाम क्वार्टर नोट, क्वार्टर नोट मतलब ये क्या हुआ, क्वार्टर नोट कहाँ से आया, ऐसे बात नहीं है, मेरा नाम प्रदीप, बस ये बात खत्म। ये जो हर एक एक 4 कॉइन दे दिया आपको 1 रुपये करके, यही क्वार्टर नोट है, बात खत्म हो गया। ठीक है, अभी 50 पैसा करके हम अगर 2 कॉइन देंगे, है ना, आपको 1 रुपये देना है 50 पैसा करके, कितना कॉइन देना है, 2, लेकिन 2 कॉइन आप देखा, 2 तो अलग अलग कॉइन है, मतलब इसका 2 रुपये नहीं, वो 1 ही रुपया है, वो तोड़ दिया मैंने। तो ये 1 को 1 पैसा, 1 रुपये को हम दोनों में डिवाइड कर दिया, इसको म्यूजिकली कहता है 1 नोट। ये कैसे होगा दिखने में, 1 एंड, और ये क्वार्टर नोट दिखने में है ऐसा, 1 रुपये का, जैसे 1 रुपये का कॉइन जैसे दिखता है, एक है ये क्वार्टर नोट ऐसे दिखता है, और ये 8 नोट ऐसे दिखता है। इसमें क्या है, ये तो 2 50 पैसे दे दिया, और इसको कहते हैं हम 1 एंड, जैसे कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ठीक है, मतलब 8 50 पैसे दिया, इसीलिए आपको 4 रुपया हो गया, 4 1 रुपये का कॉइन दिया तो उसको 4 रुपया हो गया, समझ में आ रहा ना। तो इसको हम कैसे प्ले करेंगे, अगर दोनों का देखिए, अब ये एक का वैल्यू हम क्या, क्यों ये बोल रहा है कि एक का वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, ये 1 रुपये में 2 50 पैसा तो है। अभी इसको हम नोटेशन में अगर प्ले करेंगे, सोचो कि हम ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 4 रुपये है। ठीक है, हम क्वार्टर नोट लिख गए 4 1 2 3 4। अभी इसको क्या करना, वो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, राइट, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड इसको कहते हैं। तो अभी देखिए कहाँ से हम लोग गलत कर लेते हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4, अगर ऐसे ही इसको प्ले करेंगे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, पूरा गलत कर दिया मैंने, समझ में आ रहा है। अगर ये 4 पैसा देने के लिए आपको 4 सेकंड लगेगा, मुझे 1 रुपया दिया, 2 रुपया दिया, 3 रुपया दिया, 4 रुपया दिया, 4 सेकंड में दिया, तो ये भी तो 4 ही रुपया है, इसको भी 4 सेकंड में आपको देना पड़ेगा, तो कितना स्पीड में, 4 सेकंड में अगर मैं 8 कॉइन देना है तो डबल स्पीड में देना होगा, राइट। तो हम कैसे इसको देंगे, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। अभी हुआ ताल में, अभी दोनों एक साथ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले गलत कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, अभी गलत कर रहे हो, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, एक्चुअली ये मैं ज़्यादा टाइम ले लिया, ये गलत कर दिया, ये 1 का वैल्यू हमने समझ में नहीं, हम सही नहीं किया। अभी कैसे होना चाहिए, 1 2 3 4, मतलब 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, मैं 4 सेकंड लिया और ये 8 काउंट कर दिया, राइट। तो ये है 1 का वैल्यू। तो अगर 25 पैसा करके हम तोड़ेंगे तो एक में, देखिए एक में 4 25 पैसा देना होगा,
तो चारों में कितना 25 पैसा देना होगा? 16 25 पैसा देना होगा, ठीक है। और ये हर एक 25 पैसा को हम नोटेशन में क्या करता है, इसको 16 नोट कहता है, और इसको कैसे बोलता है, वन ई एंड आ, ये हुआ एक। एक का वैल्यू देखिए कितना हो गया, वन ई एंड आ, अभी एक हुआ। उसका मतलब हम नोटेशन में कैसे लिखते हैं इसको, ये हुआ वन ई एंड आ। अब इसको काउंट कैसे होगा, अगर डायरेक्ट इधर से इधर आ जाएंगे क्वार्टर नोट माने क्वाइन से 25 पैसा में आ जाएंगे, कैसे होगा देखिए, वन टू थ्री फोर, वन ई एंड टू ई एंड थ्री ई एंड फोर ई एंड, ये हुआ करेक्ट, ओके। अगर गलत कैसे करके कर लेता है ज्यादा से ज्यादा, वन टू थ्री फोर, वन ई एंड आ टू ई एंड, ये गलत जा रहा है, पूरा गलत जा रहा है। अगर इसको मैं प्ले करके देखाऊंगे, देखिए वन टू थ्री फोर, वन ई एंड टू ई एंड थ्री ई एंड फोर ई एंड, ये स्पीड पूरा इसका डबल ही है, इसका डबल ही है, वन ई एंड टू ई एंड थ्री ई एंड फोर ई एंड। तो ये वन ई एंड इक्वल्स टू वन, वन का वैल्यू समझ में आया, वन एंड ये भी इज इक्वल टू वन, ऐसे वन है, इसका मतलब समझ में ना आई। तो इससे भी डबल है, उसको कहते हैं 30 सेकेंड्स नोट। मतलब 30 सेकेंड्स नोट का मतलब क्या है, अभी देखिए 1 रुपए दिया, अभी ये 50 पैसा करके 2 दिया, ये 25 पैसा करके 4 दिया, मतलब डबल। इसका भी तोड़ेंगे 25 पैसा को अगर 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 12.5 पैसा करके आ जाएगा, मतलब एक वन में 8 स्ट्रोक होगा, 4 का डबल है ना, तो 8 स्ट्रोक होगा तब जाके वन होगा, लेकिन टाइमिंग क्या होगा, इससे भी डबल स्पीड में हो जाएगा, कैसे, वन ई एंड, उसको उस नोटेशन में क्या कहते हैं, वन ई एंड एंड ई एंड, उसको कहते हैं वन ई एंड एंड ई एंड। देखिए 8 स्ट्रोक है, वन ई एंड एंड ई एंड, इसको 8 स्ट्रोक हो गया, तो वन ई एंड एंड ई एंड टू ई एंड एंड, मतलब वन ई एंड एंड ई एंड टू ई एंड एंड ई एंड थ्री ई एंड एंड ई एंड फोर ई एंड एंड ई एंड, वन ई एंड एंड ई एंड, ये हुआ वन, ठीक है। और इसे 16 नोट में जाएगा, वन ई एंड, ये हुआ वन, 8 नोट में वन एंड, और ये क्वार्टर नोट में वन टू, ये हुआ वन का वैल्यू, बोले वन टू थ्री फोर, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन ई एंड टू ई एंड थ्री ई एंड फोर ई एंड, वन ई एंड एंड ई एंड टू ई एंड एंड ई एंड थ्री ई एंड एंड ई एंड फोर ई एंड एंड ई एंड, ये है ताल, ये है वन का वैल्यू, ठीक है। हम लोग ऐसे कहते हैं वन टू थ्री फोर, देखा वन का वैल्यू क्या है म्यूजिकली, ये अच्छा अभी कैसे लग रहा है कि हाँ कुछ जानकारी मिल रहा है कि ये है वन, ये टू, ये है थ्री, ये फोर, समझ में, ऐसे बात नहीं है। हम लोग ताल में इधर ही गड़बड़ कर देता है, सबका टाइम एक साथ प्ले कर देता है, तो वो वन छोड़ के टू में चला जाता है, जैसे कि वन टू थ्री फोर, वन एंड टू एंड, गलत कर दिया ना, हम एंड टू को एंड कह रहे हैं, एंड तो बीच में आए, वन इसका बीच में, 50 पैसा है ना तो बीच में होगा, तो कैसे होगा, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, और ये 16 नोट में आ जाएगा, वन एंड थ्री एंड फोर एंड, अभी हुआ ताल में। तो आप लोग कुछ कोई भी म्यूजिक अगर करते हो, बिगनर हो, इसको घर में प्रैक्टिस करो, ताल बहुत सॉलिड रह जाएगा। कैसे प्रैक्टिस करना है, वन टू थ्री फोर, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन ई एंड टू ई एंड थ्री ई एंड फोर ई एंड, ओके। इसको रिपीट करते जाओ, ताल में आपको बहुत मजबूत हो जाएगा ताल में। और एक दिखा रहे आप लोग को, ये
एक जैमिति करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैमिति। अभी तो पैसे से बुझा है, ठीक है, म्यूजिकली बुझा है, और भी है। देखिए जैसे हम कहते हैं ना, वन टू, हाथ इतना तक उठाया, वन टू, ऐसे तो नहीं करते, वन टू ऐसे तो नहीं करते, वन टू इतना तक हाथ उठाए। सोचो कि ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, मेरा हाथ है ये, ठीक है, हम हाथ ऊपर करके कर, वन टू ऐसे करते हैं ना, ऐसे के वन ऐसे, तो हाथ इधर से ऊपर के उठ के अगर फिर में आ जाता है, इसको कहते हैं वन, राइट। ये लास्ट वाला जहां तक मैंने हाथ उठाया, ये है एंड, वन टू थ्री, मतलब वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, और इसका जो मिडिल है, ठीक है, सोचो कि हाथ इधर से गया ऊपर गया और फिर से नीचे आ जाएगा, ओके, तो ये है इसका जो मिडिल है, ये है ई, वन ई एंड आ, और इसका जो मिडिल है ये है आ। तो एक वन का वैल्यू क्या है, हम तो हाथ ऊपर करके नीचे आ रहे हैं, लेकिन बीच में क्या क्या दिख रहा है, वन टू थ्री फोर, अब देखो वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड, वन ई एंड आ, टू ई एंड आ, थ्री ई एंड आ, फोर ई एंड आ, समझ में, पैसे से बुझा दिया, हाइट से दिखा दिया, तो वन टू थ्री फोर का वैल्यू क्या है। तो ये एक मज़े का प्रैक्टिस भी है, आपको ताल पूरा पकड़ में आ जाएगा, अभी वन टू थ्री फोर का वैल्यू भी आ गया, अच्छा ये है वन टू थ्री फोर, ओके। तो अगर आप लोगों को ये स्टाफ नोटेशन से सीखोगे ना, ये बहुत छोटा छोटा बात है जो हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है ना, और वही म्यूजिक में एक ताल में गाना बजाने का टाइम, ये टाइम वो टाइम, रोलिंग नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं, ताल इधर उधर हो जा रहा है, एक्चुअली क्यों हो रहा है, आपको ये समझना चाहिए, हो रहा तो ठीक है, क्यों हो रहा है, गाना दिखा दो, ठीक है सर, ये गाना का पैच बोल दो। इस बारे में एक बात कहता है, सोचो कि आपका ऑक्टोपैड है, ठीक है, उस ऑक्टोपैड में पूरा 100 गाना का पैच दिया हुआ है रेडी, वो ऑक्टोपैड कंपनी आपको जब डिलीवरी करेगा पूछेगा आपका गाना का लिस्ट भेजो, उसी हिसाब से हम पैच बना के आपको ऑक्टोपैड भेजेंगे, यह होगा तो बहुत अच्छा होता था, मैं अगर ऑक्टोपैड का मेरा कंपनी होता तो मैं ऐसे ही करता था। एनी वे कि सोचो कि आपका गाना का लिस्ट ले लिया, उसमें पूरा रेडी करके आपको दे दिया, आप पैसा दिया, ऑक्टोपैड खरीद लिया, कल से आप प्रोग्राम कर पाओगे, नहीं, क्योंकि आपको प्लेइंग मालूम नहीं है। तो अगर ड्राम्स हो या ऑक्टोपैड हो, ड्राम्स का एक अलग बात है, ऑक्टोपैड भी मैं कह रहा हूँ, दो चीज़ है, एक क्या है, दो क्या है, दो में है टेक्निकल इशू, कौन सा सुइज मुइज, ये ऑक्टोपैड है ना, ये ऑक्टोपैड है, ठीक है, इधर बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड है, ये बहुत सुइज बुइज है, ये है वो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें प्लेइंग का कोई बात नहीं है। सोचो जो लोग ऑक्टोपैड बेच रहे हैं उसका पैच बनाना आता है, जो लोग बेच रहे हैं दुकान में, ओके, म्यूजिशियन है नहीं है, उसमें अगर हम प्रोग्राम में लेके जाएंगे कोई भी गाना बजा पाएगा, नहीं बजा पाएंगे, लेकिन उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम है, जैसे भी गाना बोलेगा इधर इधर पैच कर देंगे, इधर या कोंगा, इधर ड्राम, इधर स्नेयर कर देगा, लेकिन उसका प्लेइंग नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर टेक्निकली आप स्ट्रांग हो, फिर भी आप शो अच्छा नहीं कर पाओगे, क्यों, आपको प्लेइंग नहीं आएगा, प्लेइंग प्रॉब्लम है, राइट। अगर आपको प्लेइंग प्रॉब्लम है, तो प्लेइंग आपको बहुत आता है, बहुत, मतलब हाथ आपका मैजिशियन रोबोट का तरह चलता है, इतना अच्छा आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है,
तब भी आप शो कर पा कर सकते हो, राइट? क्यों? कोई भी साउंड हो उसपे आप मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर हाथ भी अच्छा है, ऑपरेटिंग भी अच्छा है तो ग्रेट है, लेकिन आपको प्लेइंग आता है, ऑपरेटिंग नहीं आता है, वो आप काम चला लोगे। मेरे समझ में बात है, आपको टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग है, प्लेइंग नहीं आता है आपको, वो नहीं होगा, जस्ट नहीं होगा। तो ये सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और आपको ये तो टेक्निकल क्या है, 3 दिन में आपको अगर सिखाएंगे तो ये वाला 2 बार प्रेस करो, ये वाला 3 बार प्रेस करो, ये 1 बार इधर बेस ड्रम आ जाएगा, ये सीखने के लिए कितना दिन लगेगा? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पूरा खत्म। प्लेइंग सीखने के लिए सालों भर लग जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाता है ना? प्रॉब्लम ये है, ये ध्यान इधर देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? पहले ये 10 साल बजा के भी कोई म्यूजिशियन नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि इसको रियाज करना पड़ता है, राइट? और ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का कोर्स है, ये हो जाएगा, ठीक है? अगर ये दोनों आपका अच्छा होगा तो फिर आप तो बेस्ट हो। तो ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो प्रॉपर वे में सीखो, ठीक है? तो मेरा एक कोर्स भी किया है मैंने, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सीखना चाहता हूँ, कमेंट्स में भी देखा, तो मेरा कोर्स है, मैं स्टाफ नोटिसन में सिखाता हूँ। ऐसे हो सकता है आप भजन में बजाते हो, आप कोई भी बैंड में बजाते हो, रॉक बैंड हो, कोई भी, ग्रामर तो सेम है ना, ग्रामर सेम ही है। जब नमक होता है ना, वो आप चाइनीज खाना बनाओ उसमें भी नमक लगेगा, ठीक है? और अब देसी खबर बनाओगे तो उसमें भी नमक लगेगा। ऐसे नहीं कि चाइनीज नमक अलग है, ठीक है? ऐसे तो बात नहीं, नमक नमक, मीठा मीठा ही है, सॉल्ट सॉल्टी है। तो ग्रामर ग्रामर है, आप कुछ भी कहीं भी बजाओ, ठीक है? तो ये जो स्टाफ नोटेशन बुक दिख रही शुरू से है, ये आप घर में सीख सकते हो, पूरा शुरू से है, ड्राम्स हो या ऑक्टोपैड है। और इस कोर्स के साथ ये भी है और ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा बाउंडेशन है, क्योंकि ये रोलैंड एसपीडी 20, एसपीडी 20X, रोलैंड एसपीडी 20 प्रो, एसपीडी 30 अभी, और DTX अभी। ये जो ऑक्टोपैड बोला, इसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस कोर्स के साथ हम भेज देंगे। अभी ये कोर्स कैसे करोगे, ठीक है? अगर ये कोर्स करना है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हो इसमें व्हाट्सअप कर दो। अच्छा, ड्राम का भी कोर्स सेम, ड्राम्स कैसे शुरू से पूरा, ड्राम कैसे, कौन सा गाना के साथ, कोई भी गाना आप कैसे बजाओगे, जो विद ग्रामर, ड्राम्स का भी है, ऑक्टोपैड के भी है। दोनों कोर्स का फीस सेम है, 6,200 रुपये, क्लियर? अभी कोर्स कैसे करोगे, ये मैं बुक बाई पोस्ट आपको भेज देंगे। आप इसी व्हाट्सएप में आपका पूरा पोस्टल एड्रेस लिख के दे दीजिएगा, मैं बाई पोस्ट ये बुक आपको भेज देंगे। बुक मिलने के बाद पूरा इसका जो वीडियो क्लासेस है, पूरा ये कोर्स ख़त्म करने के लिए 1 साल तो लग ही जाएगा, और प्रैक्टिस तो हर लाइफ टाइम करना चाहिए, ठीक है? तो ये पूरा वीडियो क्लास बुक के साथ आपको भेज देंगे। आपको क्या करना है, एक नंबर पेज ओपन कीजिएगा, वीडियो का हेडिंग दिया हुआ है, नोट रेस्ट एंड द टाइम वैल्यू फॉर ईच, वीडियो नंबर 1, एक साथ देखोगे, 7 दिन करके प्रैक्टिस करोगे, जितना ईजी हो। आपको लगेगा तो हो गया, अभी दूसरा पेज, सुबह को एक पेज किया, शाम को एक पेज किया, रात में एक पेज किया, 2 दिन में पूरा बुक खत्म, ठीक है? तो मतलब क्या होगा, आपको कुछ नहीं आया होगा, ठीक है? एक एक पेज आपको 7 दिन करके प्रैक्टिस करना होगा, जितना इजी हो, 7 मिनिमम 7 दिन, टाफ होगा तो 10 दिन, ठीक है? ये आपको करना है, और घर में बैठ के अपने हिसाब से आप ये सीखो। और इसके साथ साथ मैंने बोला ये भी आपको मिल जाएगा, तो ये कोर्स आप घर में बैठ के करो, और ऐसे कोई बात नहीं है, आप शो करते हो या कोई भी करते हो, लेकिन आप बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो, आपको स्टाफ नोटेशन पता नहीं है, फिर भी आप सीख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, ये टेक्निकल जो जी सब्जेक्ट है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर आप लोगों को सीखना है तो इसमें व्हाट्सअप करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स करके बताओ ये क्लास कैसे लगा। ओके, नमस्कार।